क्रिकेट देखें, मैं छोटा था तो तब से ही मुझे शौक था। मेरा बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था, उसको देख देख के मुझे भी शौक था। और फिर मेरे पापा ने देखा कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो मुझे एकेडमी में उन्होंने एडमिशन करा दिया था। सबसे पहले तो हम खेलते थे टेप बॉल, आपको पता है फ्लैट में बच्चों के साथ खेलते हैं सब लोग, शौक किया। तो देन उन्होंने मेरा क्रेज़ देख के मुझे एकेडमी में एडमिशन करवा दिया था। वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। फिर उसके बाद अंडर 16 के ट्रायल्स हुए रैंडम, वो मैंने दिए। तो ये क्रेज़ शुरू से था, बट सबसे बड़ा हाथ जो है इसमें मेरे पापा का है कि उन्होंने मेरी इस चीज़ को प्रोफेशनल की तरफ लेकर गए। हालांकि उनको भी नहीं पता था कि वो मेरा एकेडमी में एडमिशन करवाएंगे और मैं इसको प्रोफेशनली तौर पे ले जाऊँ। हमेशा से मेरी ख्वाहिश भी यही रही थी कि अगर मैं किसी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम PSL खेला था तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि अगर कभी मुझे आगे पिक करें तो मैं पेशावर ज़ल्मी से मुझे खेलने का मौका मिले। और फिर जब मैंने देखा कि बाबर आज़म पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बन चुके हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे अगर उनके अंडर खेलने को मिलेगा तो वो मेरे लिए बहुत किस्मत वाली बात होगी। और जब मैं ड्राफ्ट में पिक हुआ तो सबसे पहली थॉट ही मुझे यही आई कि उनकी कैप्टनसी में मुझे खेलने को मिलेगा। देन मुझे बहुत खुशी हुई अपने पर, थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ। एंड देन मुझे यही ख्याल आया कि जिस तरह से इन्होंने इतनी उम्मीद लगा कि अगर मुझे पिक किया है तो मुझे उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना पड़ेगा, अपने आप को इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमारे जो हेड कोच हैं डैरेन सैमी, और वो इतना पॉजिटिव है और सब लोग ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम में हमेशा एज अ फैमिली इन्वायरमेंट रहता है, और सीनियर और जूनियर को में कोई फ़र्क नहीं रहता, जिसकी वजह से सब लोग जो है वो कंफर्ट महसूस करते हैं। और मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, इस माहौल को बहुत कंफर्ट दिया हुआ है, बहुत इन्जॉयमेंट है, बहुत पॉजिटिव माहौल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर देखेंगे तो जिस तरह हमारे स्क्वाड में फॉरेनर प्लेयर्स की अगर बात करें तो जिस तरह पॉवेल मौजूद है और हमारा जो टॉम कोलर मौजूद है, फिर टू श्रीलंकन प्लेयर्स हैं हमारे पास, बनु राजापक्षा एंड शनाका जो होकर गए हैं, जो कि रिसेंटली श्रीलंकन कैप्टन भी थे। तो इन सब से बहुत कुछ सीखना, और ये अभी भी यंग ही हैं, इतने कोई बड़े नहीं हुए हैं एज में, तो उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम यंगस्टर्स जो हैं वो उनसे सीख सकें, और हमें कंफर्ट महसूस कराते हैं। हम सब खुद भी बात करते हैं, इवन हम उनसे कोई भी सवाल करें तो हमें वो अच्छे से जो है वो हमारे साथ ट्रीट करते हैं, हमें कोशिश करते हैं कि हम उनसे सीखें। तो यही है कि ट्रेनिंग सेशंस में भी और आउट ऑफ द रोप भी जो है वो हमारा हंसी मजाक भी चलता है, क्रिकेट पर भी बहुत सारी बातें चलती हैं। तो यही है कि जब मैं पेशावर की टीम में आया था, मैंने देखा था कि फॉरेनर प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो उनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे मॉडर्न एरा के डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए यही है कि मैं उनसे डोमिनेशन सीखूं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी किसी ज़माने में मेरी एज के थे, वो भी बड़े हुए हैं क्रिकेट देखते देखते, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, तो मैं भी वही चीज़ सीखने की कोशिश करूँ। बेसिकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये नो लुक शॉट बन जाएगी, लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसी टेक्निक्स में ना कुछ बेसिक्स होती हैं कि आपको अगर अपना शेप मेंटेन रखना है तो बॉल पे बैट का इंपैक्ट होने से पहले आपने नज़र नहीं हटानी होती। तो उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करते करते ना वो इतना परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इतना अच्छा हो गया है कि पता नहीं, वो उसी वक्त मुझे एक इंस्टिंक्ट आती है और वो नो लुक शॉट बन जाता है, जो कि लोग पसंद कर रहे हैं, मैं खुद भी, मुझे बड़ा मज़ा आता है खेलने में। फ़ैन्स जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानी फ़ैन्स, वो तो लव हैं, देखिए मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से वो आपको प्यार देते हैं, जिस तरह से वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लेयर की सक्सेस होती है तो वो इस तरह से फील कराते हैं कि वो उनकी सक्सेस है। वो इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सोशल मीडिया पर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं जब आप परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो, मैं उनको यही कहूँगा कि हमेशा से सपोर्ट करते रहें। फ्रेंचाइज तो ठीक ही है, लेकिन
पाकिस्तान टीम को भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, क्योंकि हम एज अ प्लेयर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। Cheeky with another and swung away leg side for six, and that'll do it. That will do it. Thank you. How's that? Picked up. Oh dear, how good. Well, that has been thumped. That is terrific.